आप सब साधकों को मेरा प्रणाम। कुंडलिनी योग के आखिरी के अध्याय में हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आंतरिक शुद्धिकरण का क्या महत्व है, और दूसरा विषय है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान का क्या महत्व है। तो पहले हम आंतरिक शुद्धिकरण की बात करते हैं। ये बहुत ही अहम विषय है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। हम हमेशा इस चीज़ के प्रयास में लगे रहते हैं कि हमने अपने शरीर की सफाई करनी है, हमने अपने कपड़ों की सफाई करनी है, हमने अपने घर की सफाई करनी है। तो जो बाहर की हर सफाई के बारे में हम विचार करते हैं, क्योंकि वो जो गंदगी हमें दिख जाती है, तो जब वो गंदगी दिखती है हमें अपने कपड़ों पे, हमें अपने शरीर पे, तो हमें समझ में आता है कि इसकी हमें सफाई करनी है। लेकिन जो हमारे आंतरिक जो शरीर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसकी क्योंकि ऊर्जा की गंदगी हमें दिख नहीं पाती है कि वो ऊर्जा किस तरह से असंतुलित हो रही है या उसमें क्या क्या नकारात्मकता आ रही है, वो हमें दिखती नहीं है, तो हम उसके बारे में विचार ही नहीं करते हैं। इसके लिए हमें जो ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसका जो विज्ञान है, उसको अच्छे से समझना होगा। और जो जो ईश्वर ने हमें ऐसे ऐसे पद्धति प्रदान करी है जिसके माध्यम से हम आंतरिक ऊर्जा की जो हमारी नकारात्मकता आ गई है, जो उसके अंदर असंतुलन आ गया है, उसको हम मापन कर सकें, उसका मेजरमेंट कर सकें, उसका हमें सहयोग लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमारे को, ये ऑरा स्कैनर एक मशीन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मापन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जो हमारे चक्र हैं, सात चक्र हैं, उन सातों की जो ऊर्जा है उसका मापन हमें बता देगी। तो पहले तो हमें चक्रों के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे किस चक्र में क्या कमी है। दूसरा, इस मशीन से हमें पता चलेगा कि हमारी जो आभा है, जिसे कहते हैं दिव्य आभा, जिसको इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, तो उस ऑरा की जो हमारी शक्ति है वो कितनी ज़्यादा है, वो हमें पता चल जाएगी। उसके अलावा जो हमारा भव सागर है, और जो हमारी लेफ्ट साइड है, और जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, इन तीन जगहों पे जो नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, चाहे वो कोई व्यक्ति कोई गलत विद्या का उपयोग करके वो हमारे अंदर डाले, या हम उसको वैसे ही अपने ही विचारों से, अपने ही कर्मों से उस ऊर्जा को अपने अंदर ले लेते हैं, जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो हमारे इन तीन जगहों पे वो एनर्जी जाके बैठ जाती है और हमारे को कंट्रोल करती है। तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस ऑरा स्कैनर में जो मापन के यंत्र हैं उसके माध्यम से हमें ईवल आई और ब्लैक मैजिक, ये दो चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं। अब हमें पता तो चल गया हमारे ऊर्जा में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ हमारे को ठीक करना है उसको, अब करें कैसे। शिव काली बोध में माँ काली और महादेव की कृपा से हमें पूरी पद्धति मिली है इस शुद्धिकरण करने की। तो हम लोग जब इस ऑरा स्कैनर से अपनी एनर्जीज को चेक करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, उनका मापन करते हैं, उसके बाद 15 दिन जब हम शिव काली बोध पद्धति का अनुसरण करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी ऊर्जा ठीक होने लग गई है। उसकी जो भी अंदर की परेशानी है, जो भी अंदर की उसके अंदर डिसबैलेंस आ गया है, वो ठीक होने लग गया है, और हम ऑरा स्कैनर से हमें पता चल जाता है कि हमारी एनर्जी ठीक हो रही है। अब क्या होता है, जब हमारी एनर्जी ठीक होती है तो अपने आप ही हमारी जो भी परेशानियां हैं और जो भी हमारे रोग हैं वो भी ठीक होने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर विज्ञान है, अति सुंदर विज्ञान है, कि जिस ईश्वर ने जो साइंस है, जिसको बनाया, चाहे वो हमारी डॉक्टरों की साइंस हो, चाहे हमारा और चीज़ें हों, लेकिन उन्होंने जो शरीर का विज्ञान था, जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, वो भी इतना सुंदर है, उसको अगर हम समझेंगे तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो इसको और थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं कि शुद्धिकरण के लिए हम क्या करते हैं।
हम लोग पंच तत्व जो हैं उनकी सहायता से अपनी आंतरिक ऊर्जा की शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके अलावा पद्धति हैं शिव काली बोध में जो हमें सुबह शाम करनी पड़ती हैं, ये पद्धति बहुत ही शक्तिशाली है। ये समझिए कि जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए 3 वक्त का भोजन देते हैं, उसी तरह से ये पद्धति के माध्यम से हम 2 वक्त का जो अपनी आत्मा है उसकी जो खुराक है वो पूरी करते हैं। तो जब हमारी आत्मा को खुराक मिलती है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है वो सक्रिय हो जाती है, तो जो आत्मा है वही तो हमारे इस सुख जो स्थूल शरीर है उसको चला रही है, तो अपने आप ही हमारा सब कुछ ठीक होने लग जाता है। हम लोग जाते हैं पंडितों के पास, हम अपनी पत्रियां दिखाते हैं, हम कोई ना कोई मुंद्रिया पहन लेते हैं कि इससे हमारी एनर्जी ठीक हो जाएगी, हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं जो बाहर है, हम अंदर की शक्ति को नहीं केंद्रित कर रहे हैं, उस शक्ति को सही नहीं कर रहे हैं। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जब हमारी अंदर की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, उसकी जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आप समझिए हमारा जो दिव्य आभा है जिसको हम ऑरा कहते हैं, जो हमारे शरीर को आसपास वो जो ऑरा है हमारे रहती है, जो एक तरह से सुरक्षा चक्र है हमारा, वो एक आम इंसान की 2.5 मीटर तक की होती है। अब जब हम साधना करते हैं तो हम देखते हैं वो जो हमारा आभा है वो बढ़ के 5 मीटर हो जाती है। तो जब वो आभा बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आसपास का जो सुरक्षा का जो कवच है, जिस आभा ने हमें बचा रखा है बाहर की नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण से, जब वो बढ़ गई तो अपने आप ही हम सुरक्षित हो गए। इसी तरह जब हमारे चक्रों की जो एनर्जी है वो सक्रिय हो गई और वो अपने सही पैमाने पे आ गई, तो अपने आप ही हमारी जो अंदर के जो भी परेशानी है वो ठीक होने लग जाएंगी। इसको मैं एक उदाहरण से आपसे बताता हूँ कि एक व्यक्ति मेरे पास आए जिनको परिवार में पैसे की प्रॉब्लम थी, उनकी नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं थी उनके पास। तो मैंने उनके जब ऑरा स्कैनर से उनकी एनर्जी चेक करी तो देखा कि उनका जो नाभि चक्र है और जो उनका विशुद्धि चक्र है, उन दोनों की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब्ड है। अब नाभि चक्र हमारे जो स्थान है वो माँ महालक्ष्मी का है, जो माँ महालक्ष्मी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें पारिवारिक सुख प्रदान होता है, हमें हर तरह के भोग प्रदान होते हैं। और जो हमारा विशुद्धि चक्र है जहाँ श्री कृष्ण जी की शक्ति विराजमान है, वो शक्ति जो है वो कंट्रोल करती है किनको, शनि को। जो शनि हमारे जीवन में बार बार परेशानी लेके आते हैं, हमारे बने हुए काम बिगाड़ देते हैं, और पंडित लोग हमें बोलेंगे तुम्हारी 7 साल की शनि की दशा चल रही है, 3 साल की चल रही है, ये मुंदरी पहन लो, जाके शनि को तेल चढ़ाओ, इस तरह के हमें कार्य बताते हैं, इसकी क्या जरूरत है। जो शनि ग्रह है जिसको सैटर्न प्लैनेट कहते हैं, उसके जो ओनर है, उसके जो मालिक हैं, वो कृष्ण जी हैं। तो जब कृष्ण जी की ऊर्जा हमारे अंदर ठीक हो जाएगी, उनकी शक्ति हमारे अंदर सक्रिय हो जाएगी, तो शनि हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमारे सारे कार्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये हमें करके देखना पड़ेगा, ये कहने की बातें नहीं है। तो उन व्यक्ति की जब शिव कालीबोध के पद्धति के पालन से उनकी जब नाभि की ऊर्जा ठीक हो गई, जब उनकी विशुद्धि की ऊर्जा ठीक हो गई, तो 1 महीने के अंदर उनकी नौकरी लग गई। लेकिन परेशानी की बात क्या है कि हमारी जो मानव की बुद्धि है इतनी विकट है कि जिस चीज़ के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं वो चीज़ हमें लगता सही है, लेकिन शिव कालीबोध में क्योंकि हम पैसे नहीं लेते हैं या हर चीज़ बिना पैसे के है, हम कहते हैं कि आप ईश्वर से जुड़िए और ईश्वर से जुड़ने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। साधना तो करिए, उस शक्ति को समझिए, उसके ज्ञान के विज्ञान को समझिए, तो अपने आप ही जब हमारी ऊर्जा सब ठीक हो जाएंगी तो महादेव और माँ काली की कृपा से आप हमारे सारे काम बन जाएंगे। ये है जो हमारी आंतरिक शक्ति की ताकत, लेकिन उसका शुद्धिकरण करना हमें पड़ेगा। और कुछ लोग मुझसे आके कहते हैं कि महेश जी ये हमें हर दिन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा जो हमारे को योगा गुरु हैं हमें योगा के आसन सिखाते हैं और वो आसन करने से हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो योगा गुरु हमसे कहते हैं कि आपको ये आसन करने पड़ेंगे रोज, एक आधा दिन छोड़ दें कोई बात नहीं, लेकिन
क्योंकि उसके कारण आप ठीक हुए हैं तो आपको वो करते रहने पड़ेंगे। इसी तरह हम डॉक्टर हमें दवाई देते हैं कि ये दवाई आपको रोज़ खानी पड़ेगी, डायबिटीज़ की दवाई है तो आपको लेनी पड़ेगी, थायराइड की दवाई है लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि दवाई खाना बड़ा आसान होता है तो हम रोज़ खा लेते हैं, तो ईश्वर का अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान करना है, थोड़ी देर के लिए उस पद्धति का अनुसरण करना है तो हम क्यों संकोच करते हैं। जब हमारी ऊर्जा अंदर की अच्छी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो वो ऊर्जा एक तरह से चुंबक की शक्ति है, इट इज़ अ मैग्नेटिक पावर, वो हमें अपने आप ईश्वर आराधना के लिए प्रेरित करेगी और हम खुद साधना के लिए बैठना शुरू कर देंगे। और जिस दिन नहीं करेंगे हमें लगेगा आज कुछ कमी लग रही है, आज उतनी अंदर से एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, उतना आनंद नहीं आ रहा है, कुछ कमी है, आज की मैंने पद्धति छोड़ दी, आज मैंने अपना ध्यान नहीं किया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये है हमारे सूक्ष्म शरीर की शक्ति, उसको थोड़ा सा हम समझें और अपने जीवन में उसको जो करने का अभ्यास है वो हम करें, तो वो जीवन शैली कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन शैली के साथ हम अपने भौतिक जीवन को भी जीते रहें आनंद के साथ, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य करने में ज़्यादा समय नहीं चाहिए हमारे को। तो ये है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आंतरिक शुद्धिकरण का महत्व। दूसरी जो बात है जो हमें समझनी है वो है कि ध्यान का क्या महत्व है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो ध्यान का मतलब होता है जागरूकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस, कि हमें हर समय इस चीज़ की अनुभूति करनी है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, वो शक्ति हमारे बीच में, हमारे हृदय में विराजमान है और वो शक्ति एक्टिव है, सक्रिय है हर समय। तो वो जो अवेयरनेस है, वो जो जागरूकता है जिसे कहते हैं ईश्वर की अनुभूति करते रहना हर समय, वो ही ध्यान है। ध्यान एक विधि का नाम नहीं है, जैसे हम कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम ध्यान की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केवल मेडिटेशन करने से काम नहीं बनेगा, वो हमें पूरी उस प्रणाली को अपने जीवन शैली में अपनाना पड़ेगा जिसमें शुद्धिकरण है, पूजा है, ईश्वर नाम का जप है और हवन विधि है। तो जब हम पूरी तरह से अपने शुद्धिकरण करेंगे तो अपने आप ही हमारा जो चित्त है वो एकत्रित होके ईश्वर की अनुभूति हर समय हमें होनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह आप सोचें कि हमारे हाथ में राई के दाने हैं, हमने ज़मीन पर बिखेर दिए, तो वो जो राई के दान जमीन पे बिखरे हुए हैं वो ही हमारा चित्त है, वो चारों तरफ फैला हुआ है। हर समय हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, चाहे वो भविष्य के विचार हों, चाहे वो हमारे भूतकाल के विचार हों, हम हर समय कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। वो जो सोचना है वो कार्य करने में नहीं परिवर्तित हो रहा है, बस सोचना है, उससे हमारा आंतरिक जो एनर्जी है वो खराब हो जाती है। तो हमें वो जो राई के दाने बिखरे हुए हैं उनको जब इकट्ठे करते हैं, इसी तरह अपने विचारों को भी इकट्ठे करना है, उसके लिए ध्यान की जो पद्धति है उनका अनुसरण करना है। और धीरे 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 जब हमारा ध्यान पूरी तरह से एकचित्त हो जाएंगे हम, और हमारे ध्यान में ईश्वर अनुभूति हर समय होने लग जाएंगी, जिसे कहते हैं अविरल ध्यान की स्थिति, हर समय वो ध्यान चल रहा है, हर समय हम जागरूक हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, हर समय हमारे अंदर वो मनन चल रहा है अपने आप ही, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, कुछ विशेष चेष्टा नहीं करनी, वो अपने आप ही चलने लग जाएगा। तो हमारे ईश्वर अनुभूति हमारे अंदर पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी तो हम ध्यान की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए शिव कालीबोध में ईश्वर कृपा से हमें जो द्यूक मंत्र मिला है वो विशेष ही है, कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा चित्त जब ध्यान में जाता है तो क्या होता है, एक चेतना हमारी उस ध्यान में लग जाती है, लेकिन और भी विचार हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जो द्यूक मंत्र है शिव कालीबोध में वो बहुत ही प्रभावशाली है और हमारी सहायता करता है कि हमारा चित्त पूरी तरह से केंद्रित हो जाए। तो ये है सुंदरता हमारे सूक्ष्म शरीर की, उसको हम अपने शक्ति को अपने अंदर कार्यान्वित करें, जिसके लिए शिव कालीबोध की पद्धति आपके लिए पूरी तरह से आपके लिए अवेलेबल है,
आप समय निकाल के आएं, उसको जानने की कोशिश करें। और ये बहुत ही सहज पद्धति है, बहुत आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलनी जागृत करने के बहुत सारे तरीके हैं, राजयोग से भी हम कुंडलनी जागृत कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ी कठिन पद्धति है, उसके लिए बहुत समय लगता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। हम जो आम जनता है, जो पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो परिवार के साथ रहना चाहते हैं, हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा से, शिव काली बोध के माध्यम से, माँ काली और महादेव की कृपा से हमें ये बहुत आसान पद्धति मिल गई है, जो कि हम आराम से अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए उसको कर सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा है, मैं आप सबको आध्यात्मिक जो सशक्तिकरण है वो प्रदान करने में आपकी सहायता करूं, ताकि आप आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाएं और एक सुंदर जीवन आप सब व्यतीत कर सकें। आप सबको मेरी तरफ से ओम काली।